दोस्तों नमस्ते। उत्तर प्रदेश के छठे चरण का भी मतदान संपन्न हो गया है और साथ ही साथ आप सभी को इंतजार होगा कि छठे चरण का विश्लेषण कहता क्या है, किसकी सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। बस एक चरण का मतदान बाकी रह गया है, तो मतलब छह चरण ने तो फैसला कर ही दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। मेरे हाथ में डायरी है, चूंकि इसमें मैंने कुछ डेटा लिख रखे हैं जो आपके साथ साझा करूंगा। वोटिंग पैटर्न को समझना जरूरी है। इस बार योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और मुख्यमंत्री की किस्मत भी ईवीएम में कैद हुई है। विधानसभा चुनाव लड़ गए गोरखपुर शहर से, गोरखपुर से वो सांसद भी रहे, तो ऐसे में अब क्या योगी आदित्यनाथ यह सीट बचा पाएंगे, जीत पाएंगे, बड़ा सवाल है। तो पूरे विश्लेषण को जरा ध्यान से समझिएगा और पिछले वर्षों की तुलना में इस बार का वोटिंग गणित क्या कहता है, यह स्पष्ट हो जाएगा तो आप भी आकलन कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश चाह क्या रहा है। मैंने जो पिछले दो तीन सत्रों का यह चुनावी गणित देखा है, 2012 का, 2017 का, 2022 का, एक पैटर्न है मित्रों। पैटर्न यह कहता है कि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, मैंने पिछले विश्लेषण में भी यही कहा था, अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो विपक्ष को फायदा होता है, अच्छा खासा फायदा होता है। 1% भी बढ़ जाता है तो 30-30 सीटों का अंतर हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या इस बार ऐसा हुआ है? जी नहीं। आप पहले चरण से अगर देखते आएंगे तो पहले चरण से लेकर के अब तक में वोटिंग प्रतिशत जो है 1 से 1.5% के बीच में कम ही रहा है, बढ़ा नहीं 2017 के मुकाबले। तो जनादेश क्या कहता है? जनादेश क्या बदलाव के मूड में नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ पर जनता ने भरोसा जताया है? यह सवाल अब धीरे से स्पष्ट भी हो जाएगा। जरा देखिएगा, ताकत तो सबने झोंकी है, मायावती ने भी, अखिलेश यादव ने भी, योगी आदित्यनाथ ने भी, और प्रधानमंत्री मोदी भी खुद कूदे हुए हैं। अंतिम चरण के लिए तो सब कोई बनारस में जाकर के बैठ गया है। मामला बेहद दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश है ही ऐसी चीज जहां पर चुनाव हो और नजारा पूरा देश ना देखे, तो फिर चुनाव कैसा? तो चलिए जा समझते हैं। जो मेरे पास आंकड़े हैं, मैंने जो देखा 6 फेज तक में, फर्स्ट फेज का भी अगर 58 सीटों पर जब चुनाव हुए तो 2017 के मुकाबले 1.2% वोटिंग कम। सेकेंड फेज में 55 सीट पर 1.1% वोटिंग कम 2017 के मुकाबले। थर्ड फेज में 59 सीटों पर जो मतदान हुए तो 1.21% मतदान कम हुए। फोर्थ फेज में 59 सीटों पर 1%, फिफ्थ फेज में 61 सीट पर 1.1% और सिक्स्थ फेज में 57 सीट पर 1.23% मतदान कम हुए। अगर शाम 7:30 बजे तक का आंकड़ा अगर चुनाव आयोग का देखें तो उसके मुताबिक जो 10 जिले थे उसमें से 57 सीट पर मतदान हुए हैं, तो 10 जिले में अंबेडकर नगर, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में 7:30 बजे तक 55.79% और जो हम लोगों का गुणा गणित है वो है 55.29% के हिसाब से। और कहा यह भी जा रहा है कि गोरखपुर शहर जहां से योगी आदित्यनाथ खड़े हुए वहां पर मतदान का जो गणित था वो मात्र 51% था। तो इससे लगा कि वोटिंग कम हुए हैं, क्या मतलब है? जनता बदलाव के लिए बाहर नहीं निकली क्या? अब इस सवाल का जवाब तो जनता जनार्दन ही देगी। लेकिन वहां पर जो चंद्रशेखर इनके खिलाफ खड़े थे उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा हो रहा है। खैर, ये तो चुनाव आयोग देख ही रहा है और वो प्रशासन समिति जो है पूरा उस नजर बनाई हुई होगी, क्या गड़बड़ी हो रही है तो एक्शन तो होगा ही। अब देखिए, मैंने देखा कि 2012 में 55.19%, 2017 में 56.52% और 2022 में 55.29%। इस पर जो गणित हमने बैठाया है 57 सीटों का, तो 2017 में 1.3% वोटिंग का इजाफा हुआ, तो भाजपा सीधे 2012 में जो 8 सीटों पर 57 में से 8 सीटें जीती थी, सीधे वो 46 सीट पर, यानी 38 सीटों का इजाफा हुआ। 38 सीट का फायदा, आप समझ रहे हैं। अब ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है, मैंने कहा कि विपक्ष को फायदा होता है। उस वक्त जो विपक्ष में होता है, वोटिंग प्रतिशत अगर बढ़ जाए तो विपक्ष को फायदा होता है। 2012 में देखिए, इसी 57 सीटों पर 32 सीट आया था और 2017 में 2 सीट नुकसान हो गया। सरकार में थे अखिलेश यादव,
अखिलेश यादव को नुकसान हो गया क्योंकि वोटिंग प्रतिशत जैसे ही बढ़ा फायदा विपक्ष को हुआ, भाजपा को हो गया। 2017 में देखिए बसपा को 5 सीटें आई थी, कांग्रेस को 1 सीटें आई थी। तो ऐसे में आप पूरा हिसाब देखिए कि कैसे कैसे पूरा गणित बदलता है। 2017 में और 2012 में बसपा को 9 सीट, कांग्रेस को 5 सीट। 2007 में 48% वोटिंग हुई और जो तो उस वक्त 48% जब हुई थी तब देखिएगा बसपा को 21 सीट, सपा को 19 सीट, भाजपा को 10 और कांग्रेस को 5 सीट। तो ये परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। पूरा हिसाब गणित आप देख पा रहे हैं कि ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना मतलब विपक्ष का फायदा होना, वोटिंग प्रतिशत का घट जाना या उतना ही रह जाना मतलब सत्ता में जो इंसान बैठा है, जो दल बैठा है, उसको एक और मौका देने जैसी नौबत है। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, जो भी आप लोग कहते हैं, तो सर्वे आता है, इस बार भी सर्वे में यही कहा गया है कि बीजेपी की सरकार बच सकती है। हालांकि ये चुनाव है, कई बार जो है आकलन अप्रत्याशित हो जाते हैं, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपना आकलन करते हैं तो उसमें आप भी तय कर पा रहे होंगे, जो मतदान देते हैं, जो वोट करते हैं, उन्हें भी पता होगा कि माहौल क्या कहता है। क्या आप योगी सरकार से त्रस्त हैं, क्या आपने बदलाव के लिए वोट किया, क्या आपने अखिलेश यादव को मौका देने का सोचा है, क्या आपने मायावती को या फिर कांग्रेस को मौका देने के लिए सोचा है। अगर आपने सोचा है तो उसी हिसाब से वोटिंग हुई होगी। लेकिन आप पूरा जो गणित देखिए, गणित यही कहता है कि अंबेडकर नगर हो, बलिया हो, बलरामपुर हो, बस्ती हो, देवरिया हो, गोरखपुर हो, कुशीनगर हो, महाराजगंज, संत कबीर नगर हो, सिद्धार्थ नगर में जो वोटिंग का प्रतिशत है, देखिए अंबेडकर नगर 62.66%, बलिया 52.01%, बलरामपुर 48.9%, बस्ती में 57.2%, देवरिया 56%, गोरखपुर 58.89%, कुशीनगर में 59%, महाराजगंज में 59.5%, संत कबीर नगर में 52.2%, सिद्धार्थ नगर में 52.6%, मतलब 55.79% का मतदान यहां पर हुआ। तो यह मतदान ये बता रहा है कि वोटिंग तो हुए हैं लेकिन जब ओवरऑल गणित हम देखते हैं तो 2017 के मुकाबले कम मतदान हुए हैं। अब ये आखिरी चरण में क्या होगा, प्रधानमंत्री भी खुद बैठ गए हैं तो उनका उनके लिए भी एक ये प्रतिष्ठा की बात होगी क्योंकि तो बनारस में बैठे हैं। और यहां से क्या होगा, क्या बीजेपी के खाते में सीटें आएंगी, नहीं आएंगी, क्या मायावती और अखिलेश दोनों मिलकर कमाल कर देंगे, क्या फिर माफ कीजिएगा ममता और अखिलेश कमाल कर देंगे, क्या मायावती अपना हाथी लेकर के दौड़ पाएंगी क्या। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, साइकिल है, हाथी है, हाथ है, कमल है, खेलेगा कौन, दौड़ेगा कौन, पहिया किसका दौड़ेगा, बड़ा सवाल है। एक चरण का चुनाव बाकी है, उसके बाद तो स्थिति स्पष्ट ही हो जानी है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने पूरा जो समीकरण देखा है ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि लगातार वोटिंग प्रतिशत जो है हर एक चरण का कम ही रहा है। लोग वोट देने नहीं निकल पाए, क्यों नहीं निकल पाए, अब ये बड़ा कारण है, क्या कोई मजबूरी थी, क्या मजबूरी तो नहीं रही होगी। ऐसे में ये जो छठे चरण का गणित है, ये मैंने जो डेटा निकाले हैं और जो दैनिक भास्कर ने भी कुछ इसी तरह का पूरा जो आकलन किया है, तो उससे पता चल पा रहा है कि स्थिति भाजपा के हक में जाते हुए दिख रही है। लेकिन ये कोई कह तो नहीं रहा, लेकिन वोटिंग प्रतिशत का कम होना बदलाव के तो संकेत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, किसी अन्य अपडेट के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।